दोस्तों, एक जमाने में भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, लेकिन फिर भारत की संपन्नता और समृद्धि की चमक विदेशी आक्रमणकारियों तक पहुंचने लगी और वो उस समय के दुनिया के सबसे अमीर देश यानी भारत को लूटने आने लगे। आक्रमणकारियों ने एक के बाद एक हमला करके भारत में अपनी हुकूमत कायम कर ली, लेकिन उस समय भी भारत में कई ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने इन आक्रमणकारियों से लोहा लिया और भारत की इस पवित्र भूमि को लुटेरों के चंगुल में जाने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए और कई वीर योद्धाओं को वीर गति प्राप्त हुई, तो कुछ ऐसे शूरवीर भी हुए जिन्होंने अपने साम्राज्य को लुटेरों से सदा बचाए रखा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इस देश में लोकतंत्र लागू किया गया। तब देश से राजतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र लागू होने के बाद इन राज्यों की शक्तियां जरूर खत्म हो गई, लेकिन एक महान राजा के रूप में इनकी पहचान हमेशा इनके साथ रही। आज इनके वंशज भी इन राजाओं की पहचान के साथ जी रहे हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इन राजाओं के वंशजों के बारे में नहीं जानते। लोग ये नहीं जानते कि भारत के महान राजाओं के वंशज कौन हैं, कहाँ रहते हैं और आज वो क्या करते हैं। इसीलिए हम आज की ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम भारत के महान राजाओं के वंशजों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए राजाओं के वंशजों के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज। बात चाहे भारत के महान राजा की हो या फिर महानतम योद्धा की, महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराणा प्रताप सूर्यवंशी सिसोदिया राजवंश से संबंध रखते थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। ये मेवाड़ के 13वें राजा थे। इनका साम्राज्य उदयपुर और चित्तौड़ तक फैला हुआ था। सूर्यवंशी सिसोदिया राजवंश भारत के सबसे पुराने राजवंश में से एक था। इस राजवंश ने मेवाड़ पर लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और देशभक्ति से कभी समझौता नहीं किया। इन्होंने अकबर को दांतों तले लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया था। अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़े थे, जिन्हें भेद पाना किसी के बस में नहीं था। उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार करने की बजाय जंगलों में रहना पसंद किया था। हम सबको स्वाभिमान, स्वराज और देशभक्ति का सबक सिखाने वाले महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को इस दुनिया से चले गए थे। महाराणा प्रताप के देहांत के बाद अमर सिंह मेवाड़ के राजा बने। जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली तब भारत में शामिल होने वाला सबसे पहला राज्य मेवाड़ ही था। उस समय मेवाड़ के तत्कालीन राजा भोपाल सिंह ने सबसे पहले भारत में शामिल होने की घोषणा की थी। महाराणा प्रताप के मौजूदा वंशजों में महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ मेवाड़ राजवंश के 76वें संरक्षक हैं, जबकि उनके बड़े भाई मेवाड़ से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति हैं। मेवाड़ राजवंश के हिस्से में जितने भी किले और भवन हैं उन सभी के मालिक अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। अरविंद सिंह ने लंदन से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। इनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजय राज के साथ हुई है। मेवाड़ राजवंश के संरक्षण होने के साथ ही अरविंद सिंह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। इनका होटल का बिजनेस है और ये HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन भी हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ के एक बेटे और दो बेटियां हैं। इनके बेटे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ भी अपने पिता के साथ होटल का बिजनेस संभालते हैं। साथ ही इन्हें मेवाड़ राजवंश का अगला वारिस भी माना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह का राजवंश। महाराजा रंजीत सिंह का नाम जिसे सुनकर अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी। महाराजा रंजीत सिंह के जिंदा रहते हुए किसी अंग्रेज की पंजाब में कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के महानतम राजा थे, जिनका शासन पूरे पंजाब के अलावा अफगानिस्तान, कश्मीर और लाहौर तक फैला हुआ था। दुनिया इन्हें शेर पंजाब के नाम से जानती है। इन्होंने पंजाब का एकीकरण करके पहली बार सिख हुकूमत कायम की थी। इनका साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था। 1839 में इनकी मृत्यु के 10 साल बाद ही पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। इनके 8 बेटे थे, जिनमें से 7 बेटों की मौत या तो अंग्रेजों के साथ युद्ध में या फिर ऐसे में ही किसी और वजह से हो गई थी।
इनका सबसे छोटा बेटा ही जीवित बचा, वह भी इस वजह से क्योंकि वह काफ़ी छोटा था। पंजाब पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजी सरकार ने इनके छोटे बेटे दुलीप सिंह को लंदन भेज दिया और इनकी मां महारानी जींद कौर को कैद कर लिया। दिलीप सिंह को जब लंदन भेजा गया था तब उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। लंदन में ईसाइयों के बीच ही इनकी परवरिश हुई। वहां उन्होंने 2 शादियां की। दोनों पत्नियों से दुलीप सिंह के 8 बच्चे हुए। अंग्रेजों के बीच महाराजा रंजीत सिंह के खौफ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी हुकूमत को आशंका थी कि यदि महाराजा रंजीत सिंह का कोई भी वंश भारत लौटता है तो वो फिर से एक बड़ी सेना खड़ा करके भारत को आज़ाद करवा सकता है। दुलीप सिंह ब्रिटेन के बहुत से हिस्सों में रहे और स्कॉटलैंड में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वहाँ वो ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थशायर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दुलीप सिंह बाद में भारत लौट आए लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पंजाब में नहीं जाने दिया। भारत से लौटने के बाद उन्होंने फिर से सिख धर्म धारण कर लिया। उनके 6 बच्चे थे जिनके आगे के वंशजों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि बिजनेसमैन सुखदेव सिंह और जसविंदर सिंह दावा करते हैं कि वह महाराजा रंजीत सिंह के वंशज हैं। उनका कहना है कि उनके परदादा ठाकुर सिंह दिलीप सिंह के चचेरे भाई थे, इस हिसाब से वह महाराजा रंजीत सिंह के वंशज हैं। महाराजा सूरजमल का राजवंश। महाराजा सूरजमल भरतपुर साम्राज्य के राजवंश के एक महान राजा थे। इनका शासन भरतपुर के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों तक फैला हुआ था। इनकी गिनती अपने समय के एक महान राजा के रूप में होती है जो आम लोगों के बीच काफ़ी मशहूर थे। सूरजमल ने अपने शासनकाल के दौरान कई किलों और महलों का निर्माण करवाया था। इन्हीं किलों में से एक लोहगढ़ का किला भी है जो कि भारत का सबसे मजबूत किला है। मुगल साम्राज्य और दूसरे कई साम्राज्य ने इस किले को भेदने की कोशिश की लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं रहा। वर्तमान में महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी भरतपुर में ही रहती है। इनके 14वीं पीढ़ी के वंशज विश्वेंद्र सिंह हैं। विश्वेंद्र सिंह के साथ ही उनके बेटे कुंवर अनिरुद्ध सिंह और उनके परिवार के दूसरे सदस्य भरतपुर में ही रहते हैं। विश्वेंद्र सिंह कई किलों और महलों के मालिक हैं और एक शाही जिंदगी जीते हैं, साथ ही ये राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान के वंशज। चौहान राजवंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम सम्राट माना जाता है। इनका राज्य दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए थे। शुरू के कई हमलों में पृथ्वीराज चौहान की सेना आक्रमणकारियों को पराजित करने में कामयाब रही लेकिन 1192 में गजनी के शासक मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के मैदान में हुए युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी सम्राट पृथ्वीराज को कैद करके अपने साथ गजनी ले गया। गजनी में ही दिल्ली के आखिरी शासक की मृत्यु हो गई। तराइन के युद्ध के बाद ही चौहान साम्राज्य भी बिखर गया। चौहान साम्राज्य के बिखरने के बाद पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंद राज चौहान फिर से चौहान साम्राज्य को खड़ा करने की कोशिश करने लगे। रणथंबोर में कई आक्रमणकारियों से लड़ते हुए इन्होंने फिर से रणथंबोर पर जीत हासिल की और चौहान साम्राज्य को दोबारा खड़ा किया। दिल्ली के मुस्लिम शासकों को रणथंबोर हमेशा खटकता रहा जिस वजह से वह इसे अपने कब्जे में लेने के लिए लगातार हमले करते रहे। लेकिन चौहान वंश में ऐसे कई पराक्रमी योद्धा हुए जिन्होंने हमेशा इन कोशिशों को असफल किया। चौहान साम्राज्य के आखिरी राजा हमीर देव चौहान ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भी युद्ध में पराजित किया था। हमीर देव चौहान एक महान राजा होने के साथ ही पराक्रमी योद्धा भी थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध के अलावा भी उन्होंने कई युद्ध लड़े और उसमें जीत हासिल की। राजा हमीर देव ने रणथंबोर पर 1283 से 1301 तक शासन किया। 1301 में ही हमीर देव चौहान ने अपनी गर्दन महाकाल को भेंट चढ़ा दी थी। इनकी मृत्यु के साथ ही चौहान साम्राज्य भी खत्म हो गया और दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सका। पृथ्वीराज चौहान के आज कई वंशज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसके अलावा उनके कुछ वंशज पाकिस्तान में भी बसे हुए हैं। टीवी के मशहूर अभिनेता नकुल मेहता भी दावा करते हैं कि वह पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। एक वेबसाइट के अनुसार अवध के बधैया राज की स्थापना करने वाले राव तक्षक सिंह हमीर देव चौहान के वंशज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। स्वराज के लिए लोगों को जागरूक करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महानतम राजा और पराक्रमी योद्धा थे।
वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने कभी विदेशी आक्रमणकारियों के आगे घुटने नहीं टेके और साथ ही मुगल साम्राज्य के लिए हमेशा एक चुनौती बने रहे। शिवाजी महाराज भोंसले राजवंश के राजा थे। भोंसले राजवंश का शासन मूल रूप से महाराष्ट्र साम्राज्य तक ही सीमित था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इनका शासन संपूर्ण भारत में था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके तीन वंशजों ने भोंसले राजवंश की राजगद्दी संभाली और मराठाओं का परचम बुलंद रखा, लेकिन शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज की कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बेटे को गोद लिया। बालक का नाम रखा गया राजा राम और उन्हें भोंसले राजवंश का वारिस घोषित किया गया। शाहू महाराज के बाद राजा राम महाराज भोंसले राजवंश के राजा बने। राजा राम के बाद उनके बेटे प्रताप सिंह महाराजा बने। प्रताप सिंह ने शाहजी द्वितीय को गोद लिया और अपना वारिस घोषित किया। शिवाजी महाराज के मौजूदा वारिस उदय राजे भोंसले और मालोजी राजे भोंसले हैं। उदय राजे भोंसले सतारा में रहते हैं जबकि मालोजी राजे कोल्हापुर में रहते हैं। शिवाजी महाराज का वंशज होने के कारण इन्हें लोगों का पूरा सम्मान प्राप्त है और दोनों ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। महान राजाओं के वंशजों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही कई और शूरवीर योद्धाओं और राजाओं के वंशजों के बारे में दूसरे वीडियो को भी लेकर आएंगे, तो इस वीडियो के दूसरे पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।